हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टडी 2.0। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को इस नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो ये आज का जो है बिहार आईटीआई एडमिशन 2024 के लिए जो है वीडियो ये बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें आप लोग को जानते हैं कि जो रैंक कार्ड है वो जारी कर दिया गया है आप लोग को। तो रैंक कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, तो डाउनलोड करने के लिए जो है लिंक हमने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग को डाउनलोड नहीं करने आता है तो इसका जो है वीडियो बना हुआ है, आप लोग चैनल पर जा कर के देख सकते हैं इस तरह से जो है डाउनलोड करना है। तो इस रैंक कार्ड को दोस्तों कैसे समझिए और जो है कितना रैंक तक वाले का एडमिशन जो है सरकारी कॉलेज में होगा, 1000+ रैंक जिसका है दोस्तों उसका क्या होने वाला है, इसी के बारे में फुल डिटेल्स जो है रैंक कार्ड के बारे में जानकारी मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों हमारा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और जो है एल वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आप लोग को चलते हैं रैंक कार्ड की ओर और आप लोग को समझाते हैं कि इस तरह से जो है एडमिशन आप लोग का सक्सेसफुल होगा दोस्तों, कितने रैंक वाले का। तो चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्पटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2024, डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड ऑफ आईटीआई कैट 2024। तो दोस्तों रैंक कार्ड जो है एक होता है ओपन मेरिट रैंक कार्ड और दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड। तो ये दोस्तों ओपन मेरिट है, जो पूरे बिहार में आप लोग को जो है जारी किया जाता है। और ये जो दूसरा नंबर में डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये आपके ज़िला में जो है कितना रैंक आया है उसके बारे में जो है उसका जो है जारी किया जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर ये सब लिखा रहेगा, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी ये सब लिखा रहेगा दोस्तों। तो आप लोग को चलिए चलते हैं कितना रैंक है इसका जो है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कैटेगरी में देख लीजिए रैंक दोस्तों, जो है यूनिवर्स यानी यूनिवर्स में जो है फर्स्ट में यूआर में 1413 है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो है पूरे बिहार पूरे जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में 1413 रैंक है, यानी कि आप लोग जो मतलब कि पटना डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है 1413 है सभी जो है कास्ट में मिलाकर। और जो है बीसी में है आप लोग यानी कि जाति में, यानी कि जो खास जाति होता है यानी बीसी होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, तो ये सभी में जो है ये है दोस्तों देख सकते हैं 479। तो वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं 479 जो है यही मेन रैंक होता है दोस्तों। तो अगर आप लोग को जो है 1000 तक जो है यहाँ पे कोई भी जिला से हो, 1000 तक अगर आप लोग का रैंक है तो आप लोग का सरकारी कॉलेज में एडमिशन ज़रूर हो जाएगा दोस्तों, ये 100% गारंटी है। और 1000 से प्लस वाले का भी होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है 3 बार काउंसलिंग होता है दोस्तों, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड और एक होता है मॉपअप। तो दोस्तों मॉपअप में जो है 1000+ वाले का भी एडमिशन होता है, इसमें ट्रेड जो है 1 साल का मिलता है। तो आप लोग को 1 साल 2 साल का भी मिल जाता है दोस्तों, आप लोग को अगर जो है थोड़ा ज़्यादा हो तो। आप लोग को जो है समझ गए होंगे कितने रैंक पे जो है दोस्तों सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। 1000 तक आप लोग का रैंक है दोस्तों, तो आप लोग को जो है सरकारी कॉलेज ज़रूर मिलेगा दोस्तों। इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक चीज़ और है यहाँ पे दोस्तों, रैंक है उसी हिसाब से आप लोग का ट्रेड और कॉलेज मिलेगा, ये नहीं कि कोई भी आदमी आप लोग को बोले कि इतना पैसा दीजिए, 1000 दीजिए या 2000 दीजिए, आप लोग को जो है काउंसलिंग हम अच्छे तरीके से करेंगे और आप लोग का एडमिशन जो है अच्छा ट्रेड में होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग को जो है साइबर कैफे के पास या अपने मोबाइल से भी काउंसलिंग करना है, यानी च्वाइस फिलिंग ये सब, कॉलेज ट्रेड ये सभी चुनना है दोस्तों। आप लोग को दूसरे के यहाँ पैसा देकर जो है नहीं करवाना है, नहीं तो आप लोग को पैसा भी फंस जाएगा और आप लोग का एडमिशन भी सही नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा।
तो आप लोग को जो है, और चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आईटीआई डिस्ट्रिक्ट नेम जो रहता है यहाँ पे, यानी कि पटना डिस्ट्रिक्ट से ये जो है, जिसका भी रैंक कार्ड है वो पटना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो ये पटना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 479 सीट है, 479 रैंक है दोस्तों जाति में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई दीघा में, मतलब कि जो है पूरा पटना जिला में 2000 कुछ सीट है दोस्तों। तो आप लोग को 2016 या कितना सीट है ये याद नहीं है, लेकिन 2000 पार है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है 2 साल का ट्रेड अच्छी से मिल जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए इसको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और जो है, चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको भी फायदा हो। और दूसरा में जो है, आप लोग को जो है कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और तीसरा है टेलीग्राम चैनल से जुड़ना दोस्तों, आप लोग को टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका जो है, इसमें जो है हर एक इम्पॉर्टेंट लिंक को भेजा जाता है, यानी कि कोई भी लिंक आया है, नोटिस आया है, उसको भेजा जाता है दोस्तों। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए, मिलते हैं अगले में वीडियो में।